हिंदी हमारी आन बान और शान है और इस पर हमें अभिमान है। नमस्कार, चौपाल देखने वाले सभी दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों का। आज दर्शक भाई बहन सोच रहे होंगे कि आज हमारी राजस्थानी कहाँ गई, तो आज थोड़ा सा विराम देते हैं अपनी राजस्थानी को। और आज क्योंकि 14 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आज हम अपनी बातचीत हिंदी में ही करेंगे। और जैसा कि हिंदी दिवस जो दिन है तो 14 सितंबर को हम मनाते हैं, और इसका इतिहास हम जानेंगे कि क्या है इसका, इसके पीछे का जो इतिहास है वो क्या है, कब से हम ये मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं और इसका महत्व क्या है वो जानेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, क्या स्थिति है हमारी हिंदी भाषा की वर्तमान समय में, क्या क्या परेशानियाँ युवा बच्चों को हो रही है हिंदी के साथ, वो भी हम बातचीत करेंगे, और कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं, तो इस पर हम आज बातचीत करेंगे अपने हिंदी दिवस पर। और अपना आज का विषय है जन जन की भाषा हिंदी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पधारे हैं जगदीश गिरी जी। आप सहायक आचार्य हैं हिंदी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय से, बहुत बहुत स्वागत है आपका जगदीश जी। और इसके साथ मैं दूसरे मेहमान से आपको मिलवाती हूँ, आप हैं नितिन यादव जी, आप लेखक और कथाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नितिन जी। तो सबसे पहले हम जगदीश जी से बात करेंगे कि जगदीश जी, जैसे हम कह रहे हैं कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका इतिहास हम जानना चाहेंगे भी कब से हम इसे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं और इसका महत्व क्या है। जी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का लंबा इतिहास है। दरअसल जब देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और जब ये तय हो गया था कि देश आज़ाद होने में अब कुछ ही वर्ष बचे हैं और निश्चित रूप से हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। संविधान आज़ादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था और ये तय हो गया था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो इस संविधान के अनुसार देश का नया शासन शुरू किया जाएगा। तो बहुत सारे मसले थे कि किस तरह का देश बनेगा, उसका जो संविधान के अंतर सारे के सारे उसके प्रावधान किए गए। उसी में एक सवाल ये आया कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, हमारा अपना शासन आएगा, हमारे अपने लोग शासन करेंगे, तो राजकाज चलाने के लिए अपनी भाषा की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब अपनी भाषा का मतलब ये था कि देश में जो भाषाएं बोली जा रही हैं और जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, या जिस भाषा के जरिए पूरे देश में लोगों को संपर्क के रूप में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता हो, ऐसी भाषा की उम्मीद की गई कि ऐसी भाषा हम चुनें जिसे अंग्रेजी के स्थान पे काम में लिया जा सके, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजी भाषा का भी साथ साथ विरोध हो रहा था और एक उम्मीद ये थी कि जब देश मुक्त हो जाएगा तो फिर अंग्रेजी भाषा से भी हम लोग मुक्त हो जाएंगे और हमारी अपनी भाषा जो है वो राजभाषा बनेगी। तो उस सारी प्रक्रिया के दौरान ये हुआ कि संविधान सभा में अलग अलग मसलों पे जब चर्चा हो रही थी तो हिंदी या कोई दूसरी भारतीय भाषा, इसके ऊपर लंबी बहस हुई। और संविधान सभा के जितने सदस्य थे उनमें अधिकतर लोगों की राय ये थी कि हिंदी ही वह भाषा हो सकती है जो पूरे देश को जोड़ने का काम कर सकती है। पूरे देश की जनता को सरकार यदि कोई संदेश देना चाहे तो वह हिंदी के जरिए दे सकती है। और इसका कारण ये था कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान देश के किसी भी हिस्से में जो आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले लोग थे वे ज़्यादातर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे महात्मा गांधी मूलतः गुजराती भाषी थे, वे लिखते भी गुजराती में थे, लेकिन जब वे जनता को संबोधित करते थे तो विदेशी पत्रकारों से बातचीत को छोड़ करके उनके साथ वे अंग्रेजी में बात करते थे, वरना उन्होंने साफ कह दिया था कि सभी ये सुन लो कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आती, और वे अपनी बात हिंदी में करते थे। तो संविधान सभा में फिर ये एक राय बनी कि हिंदी को ही राजभाषा की तरह हम अपनाएंगे। और जिस दिन संविधान सभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ वह दिन था 14 सितंबर 1949 का। अच्छा। तो 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी और उसी में एक मत से प्रस्ताव पास हुआ कि हिंदी को हम राजभाषा बनाएंगे। और जैसे ही संविधान लागू होगा, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू करने की जो तिथि लगभग पहले से तय हो गई थी, तो उसमें 14 सितंबर के दिन को याद रखने के लिए कि ये हिंदी हमारी राजभाषा संविधान सभा ने स्वीकार की, वह दिन 14 सितंबर है, और उस दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस तरह लगातार वह 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बिल्कुल, तो ये इतिहास तो हुआ अपने 14 सितंबर की बात दिन का, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि हिंदी का क्या इतिहास है। अभी कोई ना कोई भाषा किसी न किसी भाषा से निकलती है, तो हिंदी कैसे किस भाषा से निकली है, कब से अपने देश के अंदर ही ज़्यादा फैली है, साहित्य में आई है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई अपनी हिंदी की? जैसा कि हर किसी भाषा के साथ होता है, उसकी एक सुदीर्घ परंपरा होती है। तो हिंदी भी जैसे कि संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट से होती हुई 1000 ईस्वी के आसपास अमीर खुसरो के यहाँ पे खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग मिलता है उनकी मुकरियों में और साथ ही अन्य जगह। फिर धीरे धीरे जैसे कि सूर काव्य है, कृष्ण काव्य धारा है या राम काव्य धारा है, तो मध्यकालीन भक्ति काल में उसमें प्रचुर साहित्य लिखा गया और वो बोली जाती थी। उसके बाद जैसे ही आगे रीति काल के दौरान दरबारों में और अन्य जगह इसमें ब्रज भाषा में काफ़ी साहित्य लिखा गया। उसके बाद जब आधुनिक संदर्भ में जब अंग्रेजी शासन आया, तो उसके बरक्स जो कि स्वाधीनता चेतना के लिए, जन जागरण के लिए भारतेंदु काल के समय 1850 के आसपास विभिन्न पत्रिकाओं की शुरुआत हुई हिंदी में, और खड़ी बोली हिंदी को एक पत्रकारिता की और एक जनता से संवाद की भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद जैसे 1900 के आसपास महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका आती है, तो हिंदी के मानकीकरण की बात सामने आती है। उस समय व्याकरण लिखे गए, तो धीरे धीरे हिंदी ने अपनी तमाम बोली भाषाओं से शब्दों की संपदा ली, एक व्याकरण लिया, एक मानव स्वरूप बनाते हुए मानक धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान तकनीक भावनाएं इन सभी को समाहित करते हुए पूरे देश के लिए एक वो आधार भूमि दी जिसमें वो एक दूसरे से संवाद कर सकें, साथ ही साथ अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें। बिल्कुल, हिंदी को हम एक उदार भाषा कह सकते हैं कि बहुत ही उदार है, बहुत सारी भाषाओं के शब्द इसने अपने अंदर शामिल भी किए हैं। तो बाकी भाषाओं से अगर इसका संबंध कहें तो कैसा है? बाकी भाषाओं से इनका संबंध उसी तरह के एक स्वस्थ संवाद की परंपरा रही है हिंदी में। तो जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा या अन्य भाषाएं, उनसे ये सांस्कृतिक तौर पर भी ये इसकी एक निकटता रही है। साथ ही साथ जो अन्य भारतीय भाषाएं, उनका कहन, उनके मुहावरे, उनका शब्दकोश और उनकी आंचलिकता, इसको हिंदी ने पर्याप्त रूप से अपने साथ जोड़ा है और कोशिश की है कि अधिक से अधिक लोगों को एक संप्रेषण के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए ये एक मंच प्रदान कर सके। जी, एक ये जानना चाहेंगे कि हम सुनते हैं राजभाषा की, जैसे बात हुई कि 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया, तो इसके साथ ही राजभाषा शब्द हमारे सामने आता है, राष्ट्रभाषा हमारे सामने आता है और एक मातृभाषा हमारे सामने शब्द है, तो इन तीनों में क्या अंतर है? जी, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये तीन शब्द जो हैं वो तीनों अलग अलग भाषा की जो अलग अलग अवधारणाएं हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। सबसे पहले भाषा के बारे में जो बातचीत होती है, तो हम सब जो चर्चा करते हैं उसमें भाषा वैज्ञानिक विशेष तौर पे कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक बोली होती है। जैसे एक ही परिवार के रहने वाले, एक ही परिवार के जो 5 सदस्य हैं यदि किसी घर में, तो उस परिवार के 500 लोगों की बोली में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जैसे दीवार के पीछे खड़ा होकर भी बोल रहा होता है, तो तुरंत दूसरे लोग ये पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो ये तो बोलती, इसको कहते हैं व्यक्ति बोली। अच्छा, उस व्यक्ति बोली जो उससे आगे का जो रूप बनता है वो बनता है मातृभाषा का। मातृभाषा बच्चा अपनी माँ से जिस बोली को सीखता है, मातृ में ये जो मातृ शब्द है वो संस्कृत के मातृ जो अपने माँ कहते हैं, तो बच्चा माँ की जो बोली को सीधे सीधे सबसे पहले सीखता है, वो माँ के साथ रहता है, माँ जो बोलती है उसी भाषा को, और उसी भाषा को ही नहीं, उस भाषा को बोलने का जो लहजा है उस लहजे को भी वो सीख जाता है। और यह भाषा और यह लहजा कहते हैं कि चाहे मनुष्य कितना भी पढ़ लिख ले, वो कहीं भी चला जाए, जो उसने अपनी माँ से बोली सीखी है, जो उसकी मातृभाषा है, वो उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है, उसे वह भूलता नहीं है, उसका लहजा हमेशा उसी से बनता है। उसके बाद वह चाहे कोई सी भाषा सीख ले, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वह मातृभाषा का जो लहजा है वो हमेशा बना रहता है। तो ये तो है, उसने जो अपनी माँ से बोली सीखी वो मातृभाषा है। दूसरी जिसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा एक बड़ी अवधारणा है जो पूरे राष्ट्र के अंदर बोली जाए। कुछ छोटे देश हैं, छोटे देशों के अंदर जहाँ एक ही तरह के लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी बहुत सारी विविधताएं जहाँ नहीं है, एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, इस तरह के छोटे देशों में राष्ट्रभाषा की अवधारणा दिखाई देती है।
लेकिन जो बहुलतावादी देश हैं, बहुत विस्तार वाले देश हैं, जिनमें बहुत तरह की जातियों के, धर्मों के, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, वहाँ राष्ट्रभाषा का स्वरूप उस तरह से दिखाई नहीं देता कि वह पूरे देश में कि सब व्यक्ति एक ही भाषा बोलते हों। वहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में आपको अलग अलग इलाकों में कई कई भाषाएं अपने अपने राष्ट्रीयताओं को लेकर के चलती हैं, तो ये राष्ट्रभाषा का है। तीसरा जो सवाल है वह है राजभाषा का। राजभाषा कहा जाए तो सीधे सीधे राजकाज में काम आने वाली भाषा है, वह ना तो मातृभाषा है, यानी किसी बच्चे ने अपनी माँ से जो सीखा हो, जरूरी नहीं कि वह देश की सरकार की भी भाषा हो जी। और जो राष्ट्रभाषा है वह भी अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि राष्ट्रभाषा कोई और है लेकिन राज की भाषा कोई दूसरी है। जैसे भारत में जब मुगलों का शासन था तो फारसी राजभाषा थी, जबकि देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा फारसी नहीं थी, तो राष्ट्रभाषा तो कोई दूसरी भाषा है। लेकिन राज करने वालों की, सरकार की जो भाषा है, सरकार जिसमें अपने आदेश निकालती है, जनता तक कानून बना करके पहुंचाती है, कोई निर्देश देने होते हैं, वे सारे के सारे राजभाषा में होते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए तो फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया, अंग्रेजी राजभाषा हो गई। इसका मतलब ये नहीं था कि भारत की सारी जनता अंग्रेजी जानने लग गई, तो राष्ट्रभाषा नहीं बदली लेकिन राजभाषा बदल गई। इसी तरह जब 14 सितंबर 1949 को संविधान निर्माण हो रहा था तो भारत की जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए संविधान सभा ने तय किया था कि हम हिंदी को राजभाषा बनाएंगे, क्योंकि हिंदी अधिकतर भारत में जानी और बोली जाती है, उसको यदि कोई बोल नहीं सकता है तो कम से कम समझ तो सकता है, अधिकतर जनता जिसका व्यवहार कर सकती है, इसलिए हिंदी को राजभाषा की तरह इस्तेमाल किया गया। तो अब जो हिंदी का स्वरूप है वो आप देखेंगे कि उसमें तीनों रूप हैं। शहरों में वो मातृभाषा भी है कि जो माँ है वो हिंदी बोलती है और अपने बच्चे को हिंदी सिखा रही है, वह राष्ट्रभाषा की तरह भी दिखाई देती है क्योंकि राष्ट्र के अधिकतर हिस्से में हिंदी बोली और समझी जाती है, और वह राजभाषा की तरह भी दिखाई देती है कि हिंदी में कानून अगर अंग्रेजी में भी बना है तो उसका एक नियम है कि वह हिंदी भाषा में उसका अनुवाद होगा, और किन्हीं किन्हीं राज्यों को ये छूट है जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वे आपस में पूरा पत्र व्यवहार हिंदी में करते हैं, वो अपने कानून भी हिंदी में बनाते हैं, वो आकाशवाणी की भाषा है, वो दूरदर्शन की भाषा है, वो न्यायालयों में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होने लगी है, जो छोटे निचले स्तर के जो न्यायालय हैं, जो हाईकोर्ट से निचले स्तर के न्यायालय हैं, उनमें भी हिंदी में फैसले दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब हिंदी का जो स्वरूप बनता है वो मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा तीनों के रूप में दिखाई देता है। यद्यपि ये जरूरी नहीं है कि कोई एक भाषा तीनों रूप में दिखाई दे, कई बार ऐसा भी होता है कि राजभाषा अलग हो सकती है, मातृभाषा अलग हो सकती है और राष्ट्रभाषा अलग हो सकती है। बिल्कुल, अपनी हिंदी भाषा का महत्व हमें पता चलेगा जब जब हम देखेंगे कि विश्व स्तर पे इसकी क्या स्थिति है, क्योंकि हम यूँ सोचते हैं कि सिर्फ हमारे देश में ही लोग जानते हैं हिंदी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज विश्व में कहते हैं कि ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा में से एक है हमारी हिंदी जी। तो इसकी स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे नितिन जी? हिंदी वैश्विक परिदृश्य पे काफ़ी अधिक बोले जाने वाली संख्या के स्तर पर तो है ही, साथ ही साथ जो अप्रवासी भारतीय हैं विभिन्न देशों में, तो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन अप्रवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है, जो कि अलग अलग देशों में किसी न किसी पीढ़ी के रूप में वो चले गए। दूसरा, जैसे कि जो रामकथा के माध्यम से सूरीनाम है, मॉरिशस है, वहाँ पर हिंदी का प्रसार काफ़ी पहले से और काफ़ी लंबे समय से होता रहा। मॉरिशस, सूरीनाम, कंबोडिया, इस पूरे मतलब क्षेत्र में हिंदी का काफ़ी बोलना प्रचलन है, वहाँ पे बोली जाती है। बाकी अन्य देशों में भी इस तरह से कि भारतीयों का एक बड़ा वर्ग जो कि जिनकी हिंदी एकमात्र भाषा है, उन्हें संबोधित करने के लिए या उस तरह से बाजार के द्वारा या उन तक कोई पैठ बनाने के लिए हिंदी की अनिवार्यता एक वैश्विक स्तर पर समझी जाती है। जैसे अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को मान्यता दी है, तो वैश्विक स्तर पर हिंदी अपनी उपस्थिति को और प्रभावी बना रही है, जो कि पहले से एक चली आ रही है जी। तो कहने का मतलब है कि आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी हिंदी भाषा का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि वहाँ वो भाषा बोली भी जा रही है और साथ साथ पढ़ाई भी जा रही है बच्चों को। तो ये हम और जानेंगे कि कैसे संभव हुआ। मैं इनकी, नितिन जी की बात को थोड़ा और विस्तार देते हुए और आपकी बात पे आना चाहता हूँ। हिंदी का जो विदेशों में प्रसार हुआ
उसका एक बड़ा कारण तो ये था कि लंबे समय से जब भारत के मजदूर दूसरे देशों में ले जाए गए तो उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे, और ये गिरमिटिया मजदूर जिन जिन देशों में गए उन्होंने अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को वहाँ पे बचा के रखा। और दूसरे कुछ लोग स्वेच्छा से गए, जो लोग स्वेच्छा से गए अपने व्यापार के लिए या रहने के लिए या शिक्षा के लिए, ये भी अच्छी बात है कि उन लोगों ने भी जा वहाँ रहते हुए, विदेशों में रहते हुए अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचा के रखने की कोशिश की है, और इस तरह हिंदी का जो विस्तार है वो विदेशों में दिखाई देता है। दूसरा कि भारत अब विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जब शामिल हो रहा है, भारत में बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी चाहती है कि भारत के साथ वो व्यापार करे, और व्यापार करना तभी संभव है जब वो यहाँ की कोई भी कंपनी जब यहाँ की जनता को उसकी भाषा के जरिए प्रभावित कर सके। यदि वे कोई अमेरिका की कंपनी अंग्रेजी के अंदर, वो भी अमेरिकन शैली की जो अंग्रेजी है उसमें यदि वे कोई विज्ञापन बनाएंगे तो जाहिर है कि भारत के लोग उससे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए चाहे विदेशी कोई भी कंपनी हो, वो अपने विज्ञापन बनाने के लिए चाहते हैं कि वे हिंदी में बनाएं ताकि एक बहुत बड़े बाजार को प्रभावित कर सके। तो ये जो व्यापार है इसने भी हिंदी भाषा को बढ़ाने में बड़ा योगदान किया। इसलिए आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में हिंदी के केंद्र खुले हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में। चीन जैसे देश में भी हिंदी के लिए केंद्र खुले हैं। हमारे यहाँ से जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको भी वहाँ बुलाया जाता है कि कुछ समय के लिए वे वहाँ पे पढ़ाएं। यहाँ के जो भारतीय मूल के लोग वहाँ बसे हैं वे भी वहाँ पे हिंदी भाषा सीख रहे हैं। तो दुनिया भर के एक आंकड़ा है कि लगभग 100 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी के केंद्र खुले हुए हैं और वहाँ पे विद्यार्थी हिंदी सीख रहे हैं। और बड़े देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ तो चाहती हैं कि इस तरह के लोग उनके यहाँ रहें जो हिंदी की जनता को अपने साथ जोड़ सकने के लिए, उनके मानस को पढ़ सकने के लिए बहुत सतर्कता से वो हिंदी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हिंदी का विस्तार हुआ है। एक और बात ये भी है कि जो देश विश्व अर्थव्यवस्था में ताकत की तरह जब प्रतिष्ठित होने लगता है तो उसकी भाषा भी धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगती है। किसी जमाने में जैसे अंग्रेजी विश्व भाषा बनी थी, इसका कारण था कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम कहते थे, उस दौर में सबसे ताकतवर देश था, और उसके अधिकार क्षेत्र वाले सभी देशों में हिंदी का प्रसार बढ़ा। अब भारत भी एक ताकत की तरह बढ़ रहा है। भारत के लोग दूसरी दुनिया के देशों को बहुत प्रभावित कर सकने की क्षमता में हैं। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदी पढ़ने पढ़ाने की जो गति है वो बढ़ रही है, और हिंदी का भारत में तो प्रचार बढ़ ही रहा है, विदेशों में भी इसलिए हिंदी का प्रचार बढ़ रहा है। बिल्कुल, जैसे कि हमने अभी जाना, जैसे जगदीश जी आपने बताया, नितिन जी ने बताया कि किस तरह से विदेशों में हमारी हिंदी है उसका बोलबाला हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि हमारे ही देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ हिंदी को नहीं स्वीकार किया जा रहा है, तो वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार हो, एक भाषा हमारी बन सके, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। हिंदी का हमारे अपने देश में प्रचार नहीं हो रहा है, ये बात तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक दूसरा सवाल इसके अंदर निहित है। हिंदी जिस तरह से बढ़ रही है उससे जो विशेष करके दक्षिण भारत में या कहीं कहीं पूर्वोत्तर के इलाके में उनके जो अस्मितावादी संगठन हैं उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदी का प्रचार यदि इस तरह से बढ़ता रहा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जो भाषाएं हैं, हमारी अपनी भाषाएं जो कम से कम एक एक हज़ार दो दो हज़ार साल से जिस भाषा को वे लोग बोल रहे हैं, कहीं हमारी अपनी भाषा नष्ट ना हो जाए। ये एक आशंका है। इस आशंका मात्र से वे लोग कई बार हिंदी का विरोध करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये बात बहुत मैं दावे के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग भले ही कुछ संगठन हिंदी का विरोध कर रहे हों, लेकिन वे अपने बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं कि यदि इस देश में आपको रोजगार के लिए भी कहीं बाहर निकलना है या राजनीतिक रूप से भी, जो वे ये बात लगभग स्थापित हो चुकी है कि हिंदी जानने वाला व्यक्ति ही इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस तरह की एक धारणाएं लगभग बनती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, हिंदी भाषी लोग भी इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी अलग अलग इलाकों में बने हैं,
लेकिन आप ये देखेंगे कि इस तरह का जो माहौल बनता है, इससे हिंदी का आंतरिक स्तर पे तो हिंदी के लेकर के बहुत काम हो रहा है, बच्चे भी सीख रहे हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला जो लगाया गया है उसके तहत भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। लेकिन अस्मितावादी संगठनों के द्वारा कई बार ऐसा प्रचार किया जाता है कि जैसे कि वे हिंदी के खिलाफ हैं और हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, कई बार उनको ऐसा लगता है। इसलिए बस एक कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हिंदी की बात करते हुए हिंदी वाले लोगों को इस तरह से अतिक्रमण करता हुआ प्रतीत नहीं होने चाहिए कि वे दूसरों की भाषा को दबाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। और एक और ये सुधार हो सकता है कि उत्तर भारत में नवोदय विद्यालय जितने, वे तो ऐसे कोशिश करते हैं कि वे दक्षिण की भाषाओं को भी इधर सिखाते हैं, लेकिन दूसरे जो सरकारी स्कूल हैं या कि आप कहें कि चाहे निजी विद्यालय हैं, तो तीसरी भाषा के रूप में यदि वे ऐसा प्रयास करें कि वे दक्षिण की और पूर्व की भाषाओं को भी अपने यहाँ तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाएं, तो कोई बुराई नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तीसरी भाषा के रूप में राजस्थान में भी सिंधी पढ़ाई जाती है, पंजाबी पढ़ाई जाती है, तो इसी तरह यदि कहीं कहीं तमिल भी पढ़ा दी जाए, कहीं कहीं तेलुगु पढ़ा दी जाए, कुछ बच्चे स्वेच्छा से ले रहे हों, तो उनके लिए यदि ये सुविधा दी जाए तो उन लोगों को भी ये लगे कि हमारी भाषा के साथ भी न्याय हो रहा है। लेकिन ये तो बात साबित है, हो गई है, वे भी जानते हैं कि हिंदी जानना बहुत जरूरी है, हिंदी सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए वे अपने बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाते हैं, हिंदी भी सिखाते हैं, इसलिए बहुत विरोध नहीं है। बस वो कई बार वो राजनीतिक रूप से हमको ऐसा दिखाई देता है कि विरोध है। बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे देश की अगर विशेषता की बात करें तो कहते हैं कि विविधता में एकता, बहुत सारी विविधताएं हैं संस्कारों में, वेशभूषा में, भाषाओं में, फिर भी एकता है, तो इस राष्ट्रीय एकता में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा है? जी, जैसे मैं जगदीश जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि एक राष्ट्र की एक तो सॉफ्ट पावर होती है, एक हार्ड पावर, तो सॉफ्ट पावर के लिए भाषा उसके एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो भारत की जैसे जैसे सॉफ्ट पावर बढ़ी है तो हिंदी या भारत की जो और प्रादेशिक भाषाएं उनका भी वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी है। दूसरा, जैसे जगदीश जी ने कहा कि भारत की जो प्रादेशिक भाषाएं हैं और हिंदी है उनके बीच में कोई विरोध या अविश्वास की बात नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे की समृद्धि के लिए कोई अवरोधक वो नहीं है, वो दोनों जुड़ के काम करने में या एक दूसरे के प्रति विश्वास व्यक्त करने से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे कि हिंदी में जो प्रादेशिक भाषाएं उनके साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद हो, हिंदी भाषी उन भाषा के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उसके साहित्य और संस्कृति को जानने का प्रयास करें। फिर आपने जैसे अभी पूछा कि एक राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा का महत्व, तो भारत उन राष्ट्रों में नहीं है कि जहाँ जैसे जगदीश जी ने भी बताया था कि एक नस्ल, एक निशान, एक धर्म, यानी हमारे यहाँ पर शुरुआत से ही बहुलतावादी संस्कृति और एक विविधता हमारे लिए एकता का प्रेरणा सूत्र रहा है। तो भाषा के स्तर पर जो हिंदी की समावेशी प्रकृति है, जो इसमें लचीलापन, उदारता है, वो भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को, जटिलताओं को, उनके अलग अलग आयामों को एक बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करती है। तो भारत की एकता के लिए ये जरूरी है कि हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के करीब लाया जाए, हिंदी को ज्ञान विज्ञान से जोड़ा जाए, और जो वर्तमान परिदृश्य में जो चुनौतियाँ एक राष्ट्र के स्तर पर, एक नागरिक के स्तर पर, उन दोनों चुनौतियों को हिंदी एक बेहतर तरीके से संबोधित करे, साथ ही साथ अन्य भाषाएं, चाहे वो अंग्रेजी हो या वैश्विक अन्य भाषाएं हो, उनके साथ भी उनका साहित्य भी अनुवादित हो, और हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य भी अन्य भाषाओं में अनुवाद हो, तो एक निरंतर संवाद की प्रक्रिया के द्वारा एक राष्ट्र की एकता में हिंदी अपना योगदान दे सकती है। बिल्कुल, तो लेकिन एक चलते चलते थोड़ी से कुछ शब्दों में जानना चाहूँगी कि हम कैसे अपनी आदतों में ये बदलाव करें, हमारी युवा पीढ़ी ताकि, और बच्चे हैं जो, कि वो इसका और प्रसार आगे कर सके और उसको बढ़ा सके। देखिए, भाषा जो है वो तो व्यवहार का एक माध्यम है और अपने विचार व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसका तरीका ये है कि अपने घर परिवार में शुरुआत से जब बच्चा बोलना सीखता है उसी समय हम घर में ऐसा माहौल बनाएं तो हिंदी का निश्चित रूप से प्रसार बढ़ेगा और बच्चे को ये लगेगा कि वो मेरी अपनी भाषा है और वो हम सब के लिए जरूरी है। बिल्कुल, चलते चलते मैं भी ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो पढ़ने में और लिखने में अपनी हिंदी भाषा का है जो खास ख्याल रखे और उसका ध्यान रखे, हमें उस पर गर्व महसूस होना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं
संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। और नितिन जी, जगदीश जी, आप आए हमारे कार्यक्रम में, इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।